आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। सिर्फ बात करते हैं आईएसएल के बारे में। सो आईएसएल में कल था मैच पंजाब एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल और ये मैच पंजाब ने जीत लिया है 4-1 से। 10-1 भी हो सकता था, 11-1 भी हो सकता था, लेकिन 4-1 क्योंकि पंजाब का फिनिशिंग अच्छा नहीं है। और ईस्ट बंगाल कल ऑल आउट अटैक में खेल रहा था, लेकिन ऐसा भी ऑल आउट अटैक नहीं खेल रहा था कि इतना आप गोल कंसीड कर लो। और परफॉर्मेंस कल पंजाब का डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर रहा। और इसी के साथ साथ ऑफिशियली ईस्ट बंगाल का भी ये सीजन खत्म, पंजाब का भी ये सीजन खत्म हो चुका है। हर एक टीम का सीजन खत्म हो चुका है एक्सेप्ट द टॉप 6 टीम्स, और अभी बस लड़ाई बाकी है नंबर 1 पोजीशन के लिए। बाकी तो हर एक चीज काइंड ऑफ फुल फाइनलाइज हो ही चुका है। और काइंड ऑफ लाइक यू नो ईस्ट बंगाल के लिए डू और डाई वाला मैच था, और उन्होंने डू तो कुछ नहीं किया, डाई ही ज़्यादा चूज किया उन्होंने। और इसी की वजह से इस मैच का स्कोर लाइन भी उस चीज़ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करवा रहा है। और लाइक यू नो ऐसी गैप से, बट आई थिंक कार्लोस क्वाद्रादो को भी होल्ड किया जाएगा। उन्होंने एक ठीक ठाक डिसेंट टीम बनाया है, सुपर कप जीता भी है, सो टीम को तो डेफिनेटली होल्ड किया जाएगा। लेकिन एक काफ़ी बढ़िया सीजन का एंड रहा है ईस्ट बंगाल के लिए, पर पंजाब के लिए भी। पंजाब का फर्स्ट सीजन था ईस्ट बंगाल का, फाइनली एक ऐसे सीजन जहाँ पे लाइक उन्होंने फाइट दिया या फिर कोशिश काफी किया। जो भी हो, देखते हैं कि आने वाले सीजन में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ईस्ट बंगाल के लिए तो आने वाला सीजन और भी ज्यादा वाइटल है, क्योंकि एफसी कप में वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और वहां पे उनका परफॉर्मेंस फॉर श्योर मैटर करेगा। नेक्स्ट बात करें आज के मैच के बारे में, तो आज भी एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट मैच है अगर हम लोग नंबर 1 पोजीशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो, क्योंकि आज मैच है मोहन बगान का, मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेस बैंगलोर एफसी। बैंगलोर के लिए नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है उनके लिए, खोने मतलब अभी तो किसी भी टीम के लिए खोने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन मोहन बगान के पास है, अगर उनको नंबर 1 पोजीशन में जाना है या फिर उस रेस में रहना है फाइनल मैच से पहले, सो ये मैच उनको जीतना होगा। ड्रॉ वैसे कुछ नहीं होने वाला, जीतना होगा उनको, तब जाके कुछ हो सकता है। और फॉर श्योर मोहन बगान इस मैच से 3 पॉइंट्स लेना चाहेंगे। बैंगलोर बहुत ही अच्छे शेप में नहीं है, सो 3 पॉइंट्स लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क होना नहीं चाहिए। हवास अपना जी जान लगा देंगे, डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करना जरूरी है, क्योंकि मोहन बगान का डिफेंस काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है रिसेंट टाइम में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। और इंटेंट अगर सही होगा तो आई थिंक मैच जीतना बहुत मुश्किल होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे इंटेंट सही होना भी चाहिए, इंटेंट यहाँ पे गलत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मैच ये होने वाला है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं ईस्ट बंगाल के ही बारे में, तो ऑलरेडी नेक्स्ट सीजन के लिए ईस्ट बंगाल प्लेयर्स ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और अब तो ट्रांसफर मार्केट शुरू हो रहा है, सब एकदम यू नो हॉट हॉट न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ईस्ट बंगाल ने इंटरेस्ट दिखाया है तोमासो बियासी के ऊपर। अब तोमासो बियासी अगर हम लोग देख ले तो 29 ईयर ओल्ड प्लेयर है, और ईस्ट बंगाल करेंटली काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में बात चल रहा है। इटालियन प्लेयर है ये, और सेकेंड स्ट्राइकर मतलब फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, 29 ईयर्स एज इनका। 5.6 करोड़ है इनका मार्केट वैल्यू, और इस साल सीरिया ए नहीं सीरिया बी में सेकेंड डिवीजन में उन्होंने 10 गोल किया है, 3 असिस्ट एज अ रिकॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और कोपा इटली मतलब जो इटली का जो कप टूर्नामेंट होता है उसमें भी 2 मैचेस खेला है। और इनका करंट क्लब है कैटेजानरो, उससे पहले इन्होंने कैप्री, तो काफ़ी क्लब्स में खेला है, इटली में ही इन्होंने मेनली खेला है। तो अगर ये आती ईस्ट बंगाल में तो काफ़ी बढ़िया डील होगा। अब इनका जो करंट क्लब है कैटेजानरो, इनके साथ भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्लब के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो 1 साल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके लिए परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ बन जाएगा। और आई थिंक लाइक यू नो डेफिनेटली मैटर करता है ऐसे साइनिंग, ईस्ट बंगाल को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड प्लेयर लाइक वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन होगा तो नो डाउट अच्छा ही डील होगा। और करेंटली तोमासो बियासी अपने करियर के पीक में, तो उस सेंस में भी काफी बढ़िया डील। सो देखते हैं कि क्या फाइनली ये ईस्ट बंगाल में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट लोग बात करते हैं चेन्नई एफसी के बारे में, तो चेन्नई ने इंटरेस्ट दिखाया है एक काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर के ऊपर, जितेंद्र सिंह। सो जितेंद्र सिंह एक अच्छा साइनिंग हो सकता है, करेंटली जमशेदपुर में, और लाइक अच्छे प्लेयर है, यंग प्लेयर है, सिर्फ 22 इयर्स एज इनका, सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है। सो डिफेंस में प्लेयर्स ढूंढ रहे चेन्नई, यंग प्लेयर्स ढूंढ रहे। ओएन कॉयल ने अपना कमबैक का ऑलरेडी यू नो नगाड़ा पीट दिया है, क्योंकि यार कमबैक के बाद ही नॉकआउट्स में क्वालिफाई करवा दिया उन्होंने चेन्नई को। और अब वो थोड़ा सा यू नो चेन्नई का ये रहा है, ओएन कॉयल का स्पेसिफिकली ये चीज़ रहा है कि वो यंग प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और उनको बिल्ड करना, उनको वो अच्छा लगता है उनको वो चीज़ करना। आई थिंक जितेंद्र सिंह एक बहुत अच्छा साइनिंग हो सकता है सेंट्रल बैक पोजीशन में, डिफेंस में, और नो डाउट एक काफ़ी सॉलिड साइनिंग होगा। बट अभी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में जमशेदपुर भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको होल्ड कर सके, खालिद जमील भी जितेंद्र सिंह को अपने टीम में रखना चाहते हैं। सो देखते हैं कि क्या फाइनली जितेंद्र सिंह चेन्नई में जाते हैं या फिर वो जमशेदपुर में ही रहेंगे, ये तो समर ट्रांसफर विंडो में हम लोग को पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट लोग बात करते हैं एफ सी गोवा के बारे में, तो एफ सी गोवा ने काइंड ऑफ अ साइनिंग कंप्लीट कर लिया जॉर्ज पेरेडियास का, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वैसे अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन
नेगेटिव है, लेकिन एडवांस टॉप में बातचीत काफी हद तक पॉजिटिव में जा रहा है। गोवा ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जॉर्ज फर्नांडिस को और वो काइंड ऑफ एग्रीड भी है। जब ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद डील भी साइन हो जाएगा। सो ये नो डाउट एक काफी ज्यादा बढ़िया डील। जॉर्ज फर्नांडिस काफी हाई प्रोफाइल प्लेयर है और उनका परफॉर्मेंस भी अब इस सीजन देख लो खतरनाक रहा है उनका मुंबई में, और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी स्ट्राइकर बहुत अच्छे प्लेयर है। सो कार्लोस मार्टिनेस का अगर कोई एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट है तो वो जॉर्ज फर्नांडिस है, जिनको लाइक इंडिया में भी खेलने का एक्सपीरियंस है, अच्छे फॉर्म में, और आई थिंक मेरिलो मार्कस रोका का जो सिस्टम है उसमें जॉर्ज फर्नांडिस काफी अच्छे से फिट भी हो जाते हैं। एक्चुअली जॉर्ज फर्नांडिस का जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो फिट बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं किसी भी प्लेइंग स्टाइल में, क्योंकि जेन्युइन स्ट्राइकर है तो उनका काम ही है गोल स्कोर करना, और वैसे नहीं कि मिडफील्ड में जाके कुछ करेंगे, नहीं उनका काम है गोल स्कोर करना और वो उसी में फोकस रहेंगे। सो जॉर्ज फर्नांडिस का साइनिंग गोवा के लिए एक काफी खतरनाक साइनिंग रहा, और आई थिंक नेक्स्ट सीजन में एक काफी गेम चेंजिंग साइनिंग साबित हो सकता है जॉर्ज फर्नांडिस का। और भी कुछ साइनिंग्स ऐसी गोवा कंप्लीट करेंगे, स्पेशली डिफेंस मिडफील्ड में नहीं, वहां पे तो कार्ल मैथ्यू के वही रहने वाले, डिफेंस में शायद वो कुछ साइनिंग कंप्लीट करे, डिफेंस को और थोड़ा सा स्टडी करे, मोबिलाइज करे, क्योंकि डिफेंस का हालत ज्यादा सही है नहीं गोवा का। नोआ सदावे ऑलरेडी फॉर्म में, नेक्स्ट सीजन जॉर्ज फर्नांडिस भी आ जाएंगे और विक्टर रोड्रिगस भी है, तो टीम काफी अच्छा लग रहा है, नजर आ रहा है काफी एक सॉलिड टीम नजर आ रहा है। कार्लोस मार्टिनेस को हटा के जॉर्ज फर्नांडिस का भी उन लोगों ने बंदोबस्त कर लिया है। सो गोवा इज मोर देन रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। इस सीजन में जो हुआ ऐसा नहीं कि बहुत खराब सीजन गया, नॉकआउट्स के लिए वो क्वालिफाई कर ही चुके और वो भी 2-3 सीजन बाद नॉकआउट्स के लिए गोवा ने क्वालिफाई किया, तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया बात है। और आई थिंक वो नजर भी रहेगा कि नॉकआउट्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, मोस्ट प्रोबेबली वो चेन्नई को ही फेस करने वाले नॉकआउट्स में, और उनका लास्ट मैच भी लीग का चेन्नई के ही अगेंस्ट में है। सो क्या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होगा या फिर नॉर्मल अपना मेन टीम खिलाएंगे, ये भी कुछ चीजें हैं जो कि काफी देखने लायक चीज होने वाला है। सो देखते हैं कि लाइक क्या होता है और आने वाले सीजन में जॉर्ज फर्नांडिस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और इस साइनिंग को लेकर आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं अल नसर के बारे में। सो अल नसर ने इंटरेस्ट दिखाया है नन अदर देन रियल मैड्रिड के सबसे ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर लुका मॉड्रिच के ऊपर। अब मॉड्रिच का एज हो चुका है, रियल मैड्रिड भी प्लान कर रहे हैं कि यार अब उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनको अभी के लिए होल्ड इसीलिए किया गया था क्योंकि उनका फॉर्म बहुत खतरनाक लेवल का था और मिडफील्ड में जो कंट्रोल वो दिखाते हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ जो आता है ना वो कंट्रोल, वो अनएक्सपेक्टेड लेवल का है। और आई थिंक इसी की वजह से लुका मॉड्रिच को होल्ड भी किया गया था, लेकिन अल नसर काफी अच्छा ऑफर भी किया उन्होंने रियल मैड्रिड को। उनको पता कि अगर अभी उनको अगर अभी लुका मॉड्रिच को वो सेल कर देते तो वो जो ट्रांसफर फी मिलने वाला है वो बाद में और नहीं मिलेगा, और यूरोप का तो कोई क्लब ऐसा ट्रांसफर फी देगा भी नहीं, जो कि काफी एक बड़ा नंबर है। अभी के लिए तो नंबर सामने निकल के नहीं है, लेकिन 50-60 मिलियन यूरोज लुका मॉड्रिच के लिए इस एज में भी आके अगर उनको मिल रहा है और उनके लिए क्लब को मिल रहा है तो वो काबिलियत तारीफ है, और सऊदी में ये चीज पॉसिबल भी है। सो देखते हैं कि क्या फाइनल लुका मॉड्रिच अल नसर में जाते हैं या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपा लीग के बारे में। तो यूरोपा लीग का भी क्वार्टर फाइनल्स आज से होगा, आज ही 4 क्वार्टर फाइनल्स हो जाएगा वैसे एक ही दिन में, और आज का सबसे जो की मैच है वो है लिवरपूल वर्सेस एटलांटा। वैसे लाइक एसी मिलान और रोमा भी है, लेकिन ये मैच एक्चुअली में काफी बड़ा मैच है। लिवरपूल काफी अच्छे फॉर्म में, एटलांटा भी अच्छे खासे फॉर्म में, तो एक काफी टक्कर का मुकाबला हम लोग को देखने को मिलने वाला है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है, और आई थिंक देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस मैच का फाइनल क्या होता है। और ये मैच है आज रात को 12:30 बजे, इसको अगेन आप जियो टीवी में देख सकते हो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद को लाइक करना, शेयर करना स्विच में, एंड अगर अभी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड मैं उधर के साथ तब तक।